अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी चिकन शाशलिक, जो कि बहुत ही आसान और शॉर्ट तरीके से बनाऊंगी। इसके अज्जा आप नोट कर लें। चिकन बोनलेस क्यूब्स में कुटी हुई लहसुन 2 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, मिर्च 1 टेबलस्पून, अजीनोमोटो या चाइनीज सॉल्ट 1 टेबलस्पून, विनेगर 1 टेबलस्पून, केचप 4 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टीस्पून। अब आप इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब हमने इन चीजों को मिक्स कर लिया है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रख देंगे। चिकन शाशलिक के मसाला बनाने के लिए अजा नोट कर लें। टमाटर 2 अदद क्यूब्स में कटे हुए, शिमला मिर्च 2 अदद क्यूब्स में कटी हुई, प्याज 2 अदद क्यूब्स में कटी हुई, टमाटर प्यूरी 1 कप, कुकिंग ऑयल 1/2 कप। शाशलिक बनाने के लिए हम पहले पैन में कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होगा तो इसमें हम मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। चिकन डाल के हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, इतना कि ये गल जाए। ये देखिए, हमने चिकन को भून लिया है। इसमें हम टमाटर प्यूरी डालेंगे। टमाटर प्यूरी डाल के हम इसको 5-10 मिनट तक पकाएंगे। टमाटर प्यूरी डाल के इसको चिकन के साथ इस तरह से पका लिया है। अब इसमें हम सब्जियां डालेंगे। सब्जियों को हमने ज्यादा नहीं पकाना है और इसका हमने कलर चेंज नहीं करना है। इसमें हमने शिमला मिर्च डाली है, साथ प्याज डाल देंगे, साथ ही हम टमाटर डाल देंगे। इसको हमने ज्यादा नहीं पकाना है, इसका हमने कलर चेंज नहीं करना है। इसमें आप अपने हिसाब से नमक और मिर्च और ऐड कर सकते हैं। ये मैंने आपको अज्जा में हरी मिर्चें नहीं बताई थी, ये आप 3 से 4 लेंगे। इसको 2 पीस काट लेंगे, इसको बाद में हम ऊपर से डाल देंगे। चिकन शाशलिक के लिए फ्राई राइस, चावल उबले हुए 1/2 किलो, इसको आप 4 घंटे पहले बॉईल करके रख सकते हैं क्योंकि इसमें ठंडे चावल यूज होते हैं। चिकन छोटे छोटे क्यूब्स में कटे हुए 1/2 किलो, मटर 250 ग्राम, शिमला मिर्च 2 अदद बड़ी कटी हुई, प्याज 1/2 बड़ी कटा हुआ, अंडे 4 से 5 अदद, लहसुन कुटी हुई 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, विनेगर 1 चम्मच, अजीनोमोटो या चाइनीज सॉल्ट 1 चम्मच, चिली सॉस 1/2 चम्मच, सोया सॉस 1 चम्मच, काली मिर्च 1/2 चम्मच। एक पतीली में हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होगा तो इसमें लहसुन की पेस्ट डाल देंगे। इसको हमने ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए, हमने लहसुन को ज्यादा हमने ब्राउन नहीं किया है। इसके साथ ही हम चिकन डाल के इसको हम स्टेयर फ्राई करेंगे। साथ में हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे, इसको हम थोड़ा सा स्टेयर फ्राई करेंगे। हमने इसको तेज आंच में पकाना है, हमने कलर चेंज नहीं करना है। साथ ही हम इसमें प्याज डाल देंगे, साथ ही इसमें विनेगर डालेंगे, सॉरी सोया सॉस डालेंगे, साथ ही ये विनेगर डाल देंगे, अजीनोमोटो, चिली सॉस डालेंगे 1 चम्मच,
नमक डालेंगे, साथ ही हम इसमें अंडे डाल देंगे, ये इसके साथ ही फ्राई हो जाएंगे। इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, ज्यादा नहीं डालनी है। इसके साथ ही हम मटर डाल देंगे, ये रेडी हो चुका है मसाला। इसमें हम चावल डाल देंगे उबले हुए। ये देखिए हमारे फ्राई राइस तैयार है, इसको हम डिश आउट करेंगे। हमारा चिकन शास्टिक और फ्राई राइस तैयार है, ट्राई जरूर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा। मजीद रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।